सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन मैंने आपका अपना लेक्चर यहीं पे छोड़ के गया था, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू विथ हेयर ओनली। तो मैं इतना मानता हूँ कि एटलीस्ट आपने दो क्वेश्चन तो अपने मन से सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, जो जहाँ तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। तो एक एक करके हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बता, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम ऑफ कैल्सियम। तो आपको मैंने हमेशा पहले ये बोला बेटा कि आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप स्केलेटन रिएक्शन लिखोगे। तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो याद है मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, जब भी कोई एलिमेंट उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये रेशियो कितना हुआ, 2:1:2 का रेशियो। अब उसने कितना दिया हुआ, ये 1 ग्राम दिया हुआ है। 1 ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में कन्वर्ट करोगे। तो 1/40 ये मेरा मोल्स हुआ, ठीक है। आपको उसने क्या पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो या तो आप सिंपल मेथड से जाओ कि भैया मोल्स ऑफ, आपको पता है मोल्स ऑफ कैल्शियम बाय 2 किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 1 के मोल्स अपॉन देयर स्टोइकोमेट्री। आप ऐसे भी जा सकते हो। तो ये थोड़ा क्या होता है, लॉन्ग मेथड होता है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम इनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इसके करने के बजाय आप ऐसा कर लो, आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है, 1 है। इसका स्टोइकोमेट्रिक 1 है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है, 2 है। तो और इसके मोल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो भी आंसर सेम आएगा। जिस बच्चे को फिर से नहीं समझ में आया, देखो आपने क्या किया, O2 का स्टोइकोमेट्री बन दिया। अब आपको वैल्यू किसकी दी हुई, आपको कैल्शियम के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो आप क्या करोगे, इसका स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करके इसके मोल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/80 आ जाएगा। देन व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट 1/80 इनटू 32, तो दैट इज कितना, 2/0.4 ग्राम। मैं कैल्शियम ऑक्साइड के भी मोल्स पूछ सकता था कैसे। अब ये कितना हुआ, ये भी 2 है तो ये भी 2 है, मतलब ये 2 के लिए 1/40 है, तो ये भी कितना होगा, 1/40 होगा, क्योंकि बेटा रेशियो इनका क्या ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके मतलब मोल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। नहीं होता तो ऐसे देखो, 2 ऊपर है नीचे, जिसका निकालना है आपको निकालना किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो इसका स्टोइकोमेट्री आपने ऊपर रखा, निकालना किससे, कैल्शियम से निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 2। अब आप ये नहीं यूज करोगे, क्यों, क्योंकि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया आपको उसी का ही यूज करना है। तो 2/2 × 40, तो दैट्स अगेन कितना हुआ, 1/40। तो आप ऐसे भी समझ कर, जब ये 2 और ये 2 है तो 2 का आधा होना चाहिए ये, क्योंकि जब कैल्शियम किस रेशियो में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1:2, 2:1 के रेशियो में। तो कैल्शियम का 1/40 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑब्वियस बात है, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, मतलब ये 1/40 है, तो ये इसका और आधा होगा, मतलब 1/80 होगा। तो आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसके मोल्स आ गए, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का 56, तो दैट इज वेट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन के अगर मैं बारे में बात करूं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, KClO3 को आपने हिट किया तो KCl+O2 आपको मिला। तो यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया, तो क्या ये बैलेंस हो चुका है, हाँ ये बैलेंस हो चुका है। अभी रेशियो आपको कैसा मिला, 2:2:3 का रेशियो मिला, ठीक है। उसने क्या बोला, 448 ml, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया 448 ml दिया हुआ। तो आपको मैंने क्या बोला, कहानी की शुरुआत, कहानी का हीरो आपका कौन है, मोल, तो पहले मोल निकालो। तो 448 × 10⁻³ ml को लीटर में कन्वर्ट किया, 22.4, तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये मेरे हिसाब से 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो 20, तो कितना हो जाएगा, 0.02 मोल्स, ठीक है। अगेन आपको करना कुछ नहीं है, आपको उसने क्या बोला, पहला व्हाट इज द मास, मास ऑफ O2 प्रोड्यूस, आखिर O2 का मास कितना होगा, तो देख लो 0.02 मोल्स है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 32 से, तो कितना हो जाएगा, 0.64 ग्राम। ये पहला क्वेश्चन मेरा खत्म यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, मास ऑफ KClO3 ओरिजिनल,
तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, आपको निकालना KCl3 के बारे में, इसका स्टोइकोमेट्री 2 ऊपर रखा, निकालना किससे है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन O2 के बारे में दिया, तो आप स्टोइकोमेट्री भी O2 का ही यूज करोगे। नीचे O2 का स्टोइकोमेट्री 3 और मल्टीप्लाई करोगे कितना मोल्स था, 0.02, तो 0.04/3। और इसका मोलर मास मेरे हिसाब से जो होता है 39 + 35.5 + 48, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.63 ग्राम। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला, मास ऑफ KCl। तो मास ऑफ KCl देखो, अगेन 2/3, सेम स्टोइकोमेट्रिक का कितना 2, और किससे निकाल रहे, O3 से निकाल रहे हैं इनटू, क्योंकि देखो जब ये रेशियो सेम है इसका मतलब मास ऑफ KCl भी कितना होगा, मास ऑफ KCl भी 1.63 ग्राम, क्योंकि रेशियो सेम है। तो मोल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, हाँ मास सॉरी हाँ मोल सेम आएंगे, माय मिस्टेक, मोल्स ऑफ KCl तो कितना आएगा 0.04/3, ये तो आपको समझ में आ गया, 2/3 × 0.02, तो ये तो मोल सेम है, हाँ मास डिफरेंट है क्योंकि इसका मोलर मास डिफरेंट, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 39 + 35.5, तो अप्रोक्सीमेटली ये मेरे हिसाब से हो जाएगा जो भी है 39 + 35.5। या तो आप ऐसा कर सकते थे, या तो पहला मास आपको कितना दिया हुआ 0.64 ग्राम, ठीक है, टोटल मास आपके पास कितना है 1.6 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ KCl, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 1.63 को आप अगर माइनस करोगे 0.64 से तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसके बजाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करें तो ज्यादा वैलिड रहेगा। तो मेरे हिसाब से सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो चुका है यहाँ से। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मेरा क्या है अच्छे लेवल का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 वाज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉक। आपने ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शन पढ़ी होगी, ये वैसा ही वाला रिएक्शन है, ठीक है, सेम जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। कोक द गैस व्हिच कम्स आउट वर कलेक्टेड एंड वाज फाउंड टू 1.4 लीटर, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ CO इन द ओरिजिनल मिक्सचर टेकन। ठीक है, जैसे मेरा ओरिजिनल मिक्सचर में CO और CO2 दोनों था, ठीक है, तो लेट ये मैंने CO टेकन माना, क्या माना CO टेकन, इनिशियली मेरे पास कितना था गैस, वन लीटर था, कितना था 1 लीटर का मिक्सचर था, इसको मैं रेड हॉट कॉक से मतलब कार्बन से पास कर रहा हूं, कार्बन रेड हॉट कॉक मतलब कार्बन होता है, तो आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जिस बच्चे को नहीं याद है तो याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन CO2 प्लस कार्बन आपको क्या देगा, CO देगा, क्या देगा, CO देगा। तो अब ये रिएक्शन को बैलेंस कर लो, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है, दो कार्बन हो गया यहाँ पे, दो ऑक्सीजन और दो कार्बन, 2C, 2C, नहीं नहीं सी ओ टू, हाँ अब बैलेंस हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब मान लो लेट जो कार्बन मोनोऑक्साइड था वो ऑलरेडी, अब समझो ये मिक्सचर था, फिर से समझा रहा हूं, आपके पास मिक्सचर क्या था CO और CO2 का, लेट मैंने इसको x लीटर माना, कितना माना x लीटर, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 - x, क्योंकि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है। अब इससे जब आप पास करोगे तो CO तो एज इट इज रहेगा टेकन, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन जब CO2 को आप कार्बन से रिएक्ट करवाते हो तो CO फॉर्म होगा, ये CO एक ही है एक ही, बट एक CO ऑलरेडी प्रेजेंट था और एक CO फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द पासिंग थ्रू रेड हॉट कॉक विद द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट अस अज्यूम दैट कि अब आपके पास ये कितना था 1 - x था, कितना था 1 - x, और आपको मिला कितना, ये जब ये 1 है और ये 2:2 रेशियो है तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 - x, क्योंकि 2/1 × this, तो आप समझ गए कैसे करना, फिर से समझा रहा हूं,
अगर नहीं समझ में आया तो समझो, आपको इसका निकालना है, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वही लीटर होगा गैसेस के लिए। आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था जो मोल्स रेशियो होता है वही उसका वॉल्यूम रेशियो भी होता है। तो इसको मैं वॉल्यूम रेशियो या मोल्स रेशियो दोनों के फॉर्म में कर सकता हूँ, कोई एक ही बात पड़ता है। तो टू इसका लिया, किससे निकालना आपको, CO2 से निकालना इनटू इसके वॉल्यूम से। तो ये इतना आपके पास कितना आ जाएगा, 2 - 2x वॉल्यूम। अब समझो बात को, इनका टोटल वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ, 1.4 लीटर दिया हुआ। कितना दिया, 1.4। तो CO अभी आपने कितना लिया, x, यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी x हो, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जब ये इससे पास करेगा तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो पहले भी x होता बाद में भी x होगा। तो का तो x प्लस 2 - 2 - x ये किसके बराबर होगा, 1.4 लीटर के बराबर। क्यों भाई, दोनों का वॉल्यूम मिला के 1.4 लीटर दिया हुआ, और CO का भी जो फॉर्म हुआ, CO ये जो फॉर्म हुआ इसका आपने कितना निकाला, 2 - 2 - 2 - 2x बाय द यूजिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री। तो आप यहां से कर लीजिए, कितना आएगा, ये उधर चला जाएगा 0.6 = x। तो इसका मतलब CO, अब आपको मिल गया आंसर, उसने क्या बोला, व्हाट वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑन द CO मिक्सचर। तो आपका ये आंसर है 0.6 लीटर क्या था मेरा, CO ओरिजिनली लिया गया था। तो डोंट वरी, ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉमन रिएक्शन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, कॉमन रिएक्शन प्रॉब्लम। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहचानना कैसा, अगर कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो हमेशा एक कॉमन रिएक्शन देता है। हालांकि यहाँ पे कॉमन रिएक्शन नहीं हो सकता था क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आगे मैं बताऊंगा आने वाले सेशंस में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल तो आपको एक लिटिल बिट आइडिया हो चुका होगा इन सब चीजों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक का मैं सारे हम अब क्लियर कर चुके हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। Now, अब हम जो करते हैं, क्योंकि कल केस वन बताया था मैंने आपको, आपको याद होगा। तो केस वन के ही अब क्वेश्चन हम क्या करते, कंटिन्यू करते ताकि और आपकी प्रैक्टिस हो जाए एक एक करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट Ag2CO3 हीट करते हैं तो ये मुझे मिलता है Ag सॉलिड प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, ठीक है। ट्वाइस ऑफ Ag है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस CO2 हाफ O2। कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेंड, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेंड, कैलकुलेट वेट ऑफ रेसिड्यू व्हेन 55.2 ग्राम, व्हेन 55.2 ग्राम of Ag2CO3 is heated, Ag2CO3 is also calculate volume of, also calculate volume of gases at STP, ठीक है। क्या बोल रहा है, Ag2CO3 आपको दिया हुआ कि इसको हीट करने पर सिल्वर रेसिड्यू मिलता है, इसी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज द रेसिड्यू प्रोडक्ट और टोटल गैसेस, तो गैसेस कौन से आपके, नो डाउट CO2 और O2 मेरा क्या होगा, गैसेस होगा। तो समझो बात को, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। तो Ag2CO3 tends to give Ag plus CO2 plus O2. तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 2 2 और O, तो ये मेरा क्या होगा, ओरिजिनल रिएक्शन होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज आपको सबको समझ में आ गई होंगी।
अब उसने इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया, इन्फॉर्मेशन उसने Ag2CO3 के बारे में दिया हुआ। तो Ag2CO3 का मतलब 55.2। आपको सॉल्व कैसे करना, जिसका इन्फॉर्मेशन दिया उसी के नीचे आप सारे डाटा लिख दो। इन्फॉर्मेशन Ag2CO3 में दिया हुआ 55.2, तो आपको ग्राम में दिया हुआ, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करके आप कैसे करेंगे, मोलर मास आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका मोलर मास आ जाता है 276। कितना आता है? 276। तो मेरे हिसाब से ये जो आएगा इसके मोल्स जाएंगे वो 1/5। ठीक है, अब आपको निकालना है किसके बारे में, सिल्वर के बारे में। तो जिसका निकालना है उसका स्टोइकोमेट्रिक ऊपर, क्योंकि सिल्वर का निकालना है तो सिल्वर का स्टोइकोमेट्रिक 4 है। अब आपको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी थी, इसी के बारे में दी है, तो इसी का स्टोइकोमेट्रिक आप नीचे लोगे इनटू इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दैट इज योर, तो मोल्स ऑफ Ag बराबर कितना हो जाएगा, तो दैट्स नथिंग बट 2, तो 2/5 × 108। तो ये सॉरी मोल्स है, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, 0.4 × 108, तो कितना हो जाएगा, अच्छा 43.2 ग्राम। तो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होंगी। अब आपको उसने क्या सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट स्टेप। आपके पास गैसेस कौन कौन से, एक गैसेस आपके पास ये और एक गैसेस आपके पास ये है। अब समझो बात को, इसके भी मोल्स निकालो, 2:2 मतलब रेशियो सेम है, तो मतलब इसके भी मोल्स कितने होंगे, 1/5, और 2:1 है तो 1/2, 1 इसका 2 इसका स्टोइकोमेट्रिक इनटू 1/5, तो कितने होगा, 1/10। तो टोटल मोल्स ऑफ गैसेस कितने होंगे, 1/5, मतलब 1/5 0.2 पकड़ लेता हूं और 0.1, तो कितना होगा 0.3। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मेरा VT लिख रहा हूं मैं, V टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.3 × 22.4। तो 4 × 12 ऐसे लगे 3 × 6 = 7, तो ये हो जाएगा 6.72 लीटर वॉल्यूम आपको ऑब्जर्व मिलेगा। तो यहाँ तक चीज आपको बेटर समझ में आ गई, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब मैं थोड़े जो 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट केस में बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम केस वन है। केस वन क्या था, सिंगल रिएक्टेंट प्रॉब्लम था, आपके पास रिएक्टेंट एक है और इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो अभी हम केस वन 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको आपको समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चंस में आपको दिए नहीं जाएंगे कि केस वन है, केस टू है, केस थ्री, आपको खुद पहचानना होगा कि ये केस वन का प्रॉब्लम है या केस टू का प्रॉब्लम है या केस थ्री का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ should be heated to obtain tank power 23 ठीक है, आपको क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट वाले रिएक्शन आपको कराए जाएंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाता है। तो याद रखना, कैल्शियम बाई कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलता है, CaCO3 मिलता है, H2O मिलता है और CO2 मिलता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि कितना वेट में CaCO3 का लू ताकि मुझे मॉलिक्यूल CO2 का इतना मिले। तो मॉलिक्यूल आपको कितना दिया, 2.4 × 10⁻³। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वेरी गुड, 6 × 10⁻³ से डिवाइड, तो दिस और दिस कैंसिल, तो मतलब ये अप्रोक्सीमेट 0.4, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस है। देखो यहाँ पे मैं बोलना भूल गया, आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो आपको देखने से पता चले रिएक्शन क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका है। तो सारे 1:1 का रेशियो, मतलब अगर ये 0.4 है तो ये भी कितना होगा, 0.4, तो मोल तो वेट कितना हो जाएगा, 0.4 × इसका मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 162, तो कितना आता है 64.8 ग्राम। तो यहाँ तक चीजें आपको क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुके होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेटा हम, क्या है क्वेश्चन, 2A tends to 3B plus 5C, 2A tends to 3B plus 5C, कैलकुलेट मोल्स ऑफ A required to produce 7 moles of C.
कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है बेटा, घबराने कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन लिखिए फिर से, 2a टेंस टू 3b प्लस 5c। अब देखो पहले तो मैं क्या करता था, आपको रिएक्टेंट कर देता, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट पूछ रहा हूँ। अब तक इससे पहले हमने क्या क्वेश्चन किया था, रिएक्टेंट देख के मैं आपको प्रोडक्ट पूछता था, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट पूछ रहा हूँ। तो मैंने 7 मोल दिया इसका, ठीक है 7 मोल इसका, तो इसका कितना होगा, इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर किससे निकाले, सी से निकाले, तो सी का स्टोइकोमेट्री नीचे इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 14/5, तो ए का मोल आपको पता चल गया यहाँ से। ठीक है अगेन हम एक और क्वेश्चन करते हैं आपको समझना अच्छे से। ठीक है कैलकुलेट वेट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस, कैलकुलेट वेट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस व्हेन 85 ग्राम ऑफ व्हेन 85 ग्राम ऑफ NH3 इज 85 ग्राम ऑफ NH3 कैसे हीटेड। ठीक है तो अगर मैं बात करूं इसको सॉल्व कैसे करना है तो समझो बेटा बात को। ठीक है आपको कुछ नहीं करना है, NH3 को हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा N2 प्लस H2, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, रिएक्शन मेरा क्या हो चुका, बैलेंस हो चुका। अब समझो 85 आपको दिया हुआ था, आप क्या करोगे उसको मोल्स में कन्वर्ट करके 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। आपको निकालना क्या हाइड्रोजन वेट, तो आपको इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर लेना पड़ेगा, इसका स्टोइकोमेट्री किसका, अमोनिया हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो जिसका निकाल लो उसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, जिससे निकाल रहे क्योंकि निकाल तो आप किससे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपके रास्ते के बारे में दिया, तो इसका स्टोइकोमेट्री नीचे लिखोगे इंटू क्या लिखोगे आप इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 15/2। Then what is the weight of H2? तो weight of H2 हो जाएगा 15/2 into 2 × 15 ग्राम। ठीक है यहाँ तक हो गया आपका। ठीक है next thing जो आ रहा है हमारा, अगेन एक और questions करते हैं, last question करते हैं उसके बाद। अब आपको मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा idea हो चुका होगा। ठीक है तो जल्दी से एक मैं question कर रहा हूँ, humble request आपसे बेटा अगेन मेरी यही रहेगी, जब तक मैं question करा रहा हूँ question pause करिए और वहां से पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, एटलीस्ट 3 मिनट तो टाइम दीजिए आप हर क्वेश्चन में। ठीक है क्योंकि अगर आप 3 मिनट टाइम दोगे तो 1 घंटे का लेक्चर ऑलमोस्ट मेरा 2 घंटा चला जाता है, और अगर आपको सिर्फ उतारना तो इसमें कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करने सीखिए। ठीक है क्वेश्चन आपका ये है कि NH2 NH4 ट्वाइस Cr2O7 इसको हीट करते हैं तो ये आपको देता है N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3 प्लस Cr2O3। ये सॉलिड होता है, ग्रीन कलर का होता है, कैसा जैसे ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है चौक, उसी कलर का ये होता है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। ठीक है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3.04 ग्राम ऑफ ग्रीन रेसिड्यू। ठीक है आपको करना कुछ नहीं है, पहले तो आपको रिएक्शन बैलेंस करो, तो NH4 ट्वाइस Cr2O7 ये हीट करेंगे तो ये आपको देगा N2 प्लस 4H2 प्लस
CR2 O3। थ्री अब आपको इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है, इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है, तो जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई तो इसका यहाँ पे लिखो 3.04 और डिवाइडेड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है मेरे हिसाब से ये होता है, आप तो खुद कैलकुलेट करें, बट यहाँ पे टाइम नहीं होने के कारण मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 152, तो कितना हो जाएगा ये 0.02 हो जाएगा मोल्स, क्योंकि अब ये रेशियो कितना है, ये रेशियो हो जाएगा रेशियो 1:1 का ही रेशियो है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.02, ये 0.02, देन व्हाट इज द वेट, वेट बराबर 0.02 और इसका मोलर मास जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इससे करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका वेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने पहला केस तो खत्म कर दिया बेटा, ठीक है, पहला केस आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अब हम चलते हैं केस टू के ऊपर, ठीक है। अगेन केस टू के बात करते हैं हम, ठीक है, केस टू क्या कहता है भैया, मोर देन पहले सिंगल रिएक्टेंट का था, अब आपको क्या मिलेगा मोर देन वन रिएक्टेंट बट इंफॉर्मेशन, ये ब्रैकेट में है, बट इंफॉर्मेशन is given for one reactant only, दो तो रहेंगे लेकिन आपको क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन सिर्फ किसी एक के बारे में ही दिया जाएगा, तो क्वेश्चन करते तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है, ये आपका केस है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl, देखो इसमें जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कौन सा होता है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड प्लस बेस आपको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, तो ये टाइप के जो केस है एसिड बेस रिएक्शन वाले पे ज्यादा केसेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो बने रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl, कैलकुलेट वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH, टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH, टू न्यूट्रलाइज 80 ग्राम ऑफ NaOH, तो आपको रिएक्शन कैसे करना, आपको पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, HCl को आप जब NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब देखो इन्फॉर्मेशन उसने किसके बारे में दी है, 80 के बारे में, NaOH के बारे में, बाकी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो अगर आप ऐसा गौर से देखो तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ केस वन, क्योंकि देखो सिंगल रिएक्टेंट के बारे में पता है, तो आपको जो भी चीजें निकालनी होंगी वो इसी के थ्रू निकालनी होंगी, बस मतलब कहने का मतलब, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो तो ये 40, तो दैट्स नथिंग बट 2, तो ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, देन व्हाट इज द वेट ऑफ HCl, वेट ऑफ HCl होगा 2 × 36.5, तो दैट्स नथिंग बट 73 ग्राम। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप HCl, आप वाटर का भी वेट निकाल सकते हो, तो इसका मोल्स 2 है, तो इसका मोल्स 2 है, तो इसका भी मोल्स कितना होगा, 2 × 10⁶, मतलब अगर आपको एक का मोल्स पता है तो आप इस रिएक्शन में किसी का भी मोल्स इसके थ्रू निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर अगर दोनों का वेट दिया हुआ तो वो मेरा केस 3 होगा बेटा, तब वहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी, तब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पहले खत्म हो रहा है, जो पहले खत्म होगा वो ही प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, तो ये मैं आपको केस 3 बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
mass of SPSF4 required to neutralize 11.2 gram of KOH. ठीक है, तो क्या होगा H2SO4 को अगर आप KOH के साथ रिएक्ट कराते हो आपको क्या मिलेगा, K2SO4 मिलेगा और अगेन H2O मिलेगा। तो यहाँ पे H2H निकले तो यहाँ पे 2H निकलेगा, तो यहाँ पे 2, तो मेरे रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब देखो 11.2 ग्राम ऑफ KOH मतलब 11.2 ग्राम इस कर दिया हुआ डिवाइडेड बाय 56, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 0.2, ये कितना हो जाएगा 0.2 मोल्स होगा। अगेन ये 2:1 का रेशियो, तो जिसका निकालना उसका स्टोइकोमेट्री पर, मुझे एस्टोसफोल का निकालना है तो इसका स्टोइकोमेट्री वन ऊपर रखूंगा, किससे निकाल रहा हूं KOH के थ्रू निकाल रहा हूं, इसका स्टोइकोमेट्री को डिवाइड करूंगा इनटू इसके मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा 0.1। देखो 1:2 के रेशियो में, तो अगर ये 0.2 है तो ये कितना होगा इसका हाफ, तो 0.1। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो जनरली इस बच्चे में यूनिटरी मेथड बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर हो पाती है, इस तरीके से मैं इनको छोटे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, नाउ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, आपको और अच्छा प्रैक्टिस हो ताकि कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कितने एल्यूमिनियम को करना है आपको 54 ग्राम, तो आपको ये रिएक्शन मैंने कॉमन है बताई थी, तो रिएक्शन कैसा होता है जल्दी बताओ। हाँ बेटा वेरी गुड, ये रिएक्शन होगा मेरा, देखो ये रिएक्शन होगा मेरा एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपको क्या बनाता है Al2O3, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 3 और 2, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 4 Al, तो आप देखो ये रिएक्शन मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। आप समझो बात को, अब इसका अब आपको इंफॉर्मेशन एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, इसको आप क्या कर लो, पहले काम कर लो आप मोल्स में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उसमें किसके बारे में पूछा, ऑक्सीजन के बारे में पूछा, तो ऑक्सीजन का कैसे, इस ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्री 3, इसका स्टोइकोमेट्री 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। देन व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा 3/2 × 32, तो कितना हो जाएगा 16 मतलब 48 ग्राम। आपसे Al2O3 का नहीं पूछा, लेकिन मैं सब बोल रहा हूँ अगर Al2O3 का मास कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, इसका स्टोइकोमेट्री किससे निकालना, इससे आप मत निकालना, जिसका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसी से आपको निकालना होगा, तो 4 × 2, तो दैट्स नथिंग बट 2, तो दैट्स नथिंग बट 1, तो 1 हो गया। तो व्हाट इज द Al2O3 का वेट कितना हो जाएगा, Al2O3 का आपको पता ही है, देखो ये 54 है और ये 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक चीज हमारे सब क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ एक्सोरिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ कंप्लीटली विथ 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। ठीक है, ऑफ KMnO4 इतना के साथ मान लो रिएक्ट कर रहा है, तो देखो ऑक्सैलिक एसिड तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, हालांकि आपको नहीं आता होगा, H2C2O4 प्लस KMnO4 ये आपको कितना देगा, ये बैलेंस एक साथ देता हूँ। ठीक है, तो 5 2 2 MnO प्लस K2O प्लस 10 CO2 प्लस 5 H2O
ठीक है, क्या बोला, कैलकुलेट मास ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड टू 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। तो 31.6 इसका दिया हुआ है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 150 kg के मोलर मास से, तो ये कितना आ जाएगा 0.2। आपको क्या पूछा है एस्ट, आपको क्या पूछा है ऑक्सैलिक एसिड का, तो इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, इसका स्टोइकोमेट्री नीचे इनटू 0.2, तो दैट्स नथिंग बट 0.1, तो दैट्स नथिंग बट 0.5 मोल्स। तो आपको वेट निकालना है, तो व्हाट इज द वेट, वेट ऑफ H2C2O4 कितना हो जाएगा मेरे लिए, तो ये कितना होगा 0.5 इनटू 60, 12 दूनी 24, 24 और 2 28, 24 और 2 26, 26 और 64 80 होगा मेरे हिसाब से, तो तो दैट्स नथिंग बट H2C2O4 158, 12 12 दूनी 24 और 2 26, 26 और 64 इस तरीके से हमारा पहला केस क्या होता है बेटा, खत्म होता है, ठीक है। और एक मिनट हो, ओके, यहाँ से हमारा पहला केस खत्म हो जाता है। अब हम केस टू की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू था। तो आई होप सो, देखो केस वन केस टू आपको समझ में आ गया होगा आपको करना किस तरीके से है। तो मेरे से सब, मेरे स्पेशल रिक्वेस्ट अपने स्टूडेंट से यही रहेगी कि प्लीज आप इनको वीडियो पॉज करके ही अटेम्प्ट करें, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्फिडेंस आए चैप्टर के ऊपर, और ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मोर कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी और नहीं भी आते, लेकिन इसका इनडायरेक्ट यूज हर जगह पे आएगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें चैप्टर इग्नोर करना है। अगर आपको ये आएगा तभी आपको बाकी की चीजें भी आएंगी, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है इन चीजों को, ठीक है। नाउ ठीक है, अब बात करते हैं केस थ्री की, ठीक है। मोर देन वन रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन, मोर देन वन रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व एंड इंफॉर्मेशन ऑफ at least two reactant are given, at least two reactant are given, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ठीक है, इसमें मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, ठीक है, समझो। अब इसमें ऐसा केसेस है, इसको मैं अगर हिंदी भाषा में समझाऊं उसके बाद में मैं लिखता हूँ, ठीक है, पहले समझो। सपोज कर आप और मैं एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग दोनों मेले पे घूमने गए, ठीक है, अच्छे फ्रेंड नहीं है वो, ठीक ठाक फ्रेंड है ऐसा समझो, वो अच्छे फ्रेंड तो खैर गलत वर्ड हो जाएगा। मान लो हम लोग मेले में गए, ठीक है, मेले में गए, एंड हमारी दोस्ती किसके ऊपर टिकी है, याद रखना पैसे के ऊपर टिकी, ठीक है। तो सपोज करो मैं 50,000 रुपये लेके गया, आप 5,000 रुपये लेके गए, ठीक है, मैं कितने लेके गया 50,000 और आप कितने लेके गए 5,000, ठीक है। हम क्या करें, हम बहुत महंगे मेले में गए, मतलब जहां पे हर चीज कॉस्टली है, ठीक है, तो सबसे पहले पैसे किसके खत्म होंगे, ऑब्वियस बात है आपके, क्योंकि आपके पास 5,000 है। जब आपके पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या मैं आपको अपने पैसे से घुमाऊंगा, नहीं, तो हमारा हमारे सब चीजें वहीं पे खत्म हो जाएंगी। तो वैसे ही है, जब दो रिएक्टेंट दिया रहता है और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से पहले कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा रिएक्शन में, ठीक है, और जो जब रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप, आगे क्योंकि रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगी। आप चीजें समझने की कोशिश, क्योंकि किसी प्रोडक्ट, अगर आपने दो रिएक्टेंट लिया तो वो जो प्रोडक्ट भी बना होगा दो रिएक्टेंट के थ्रू ही बना होगा, अब इन दोनों में से कोई एक भी खत्म हो गया तो रिएक्शन तो वहीं पे रुक गई। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में कि कौन सा मेरा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, और जो पहले कंज्यूम होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस बात को आपको याद रखना है कि इन अगर कभी दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, अब तक मैंने जो दोनों केसेस कराए थे उसमें दो
एक पहला केस था एक रिएक्टेंट का, दूसरा केस था मेरा दो रिएक्टेंट, लेकिन इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैंने एक के बारे में दी थी, तो वहां पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जब दो रिएक्टेंट दिया होगा और दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि वो कौन सा पहले खत्म होगा। अब याद रखना, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। आप खुद से सोचो, जब रिएक्शन खत्म हो चुका है तो प्रोडक्ट के लिए मेन जिम्मेदार कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और बचेगा कितना? मतलब जो दूसरा, जो अगर आपने 5,000 रुपए के थे और मेरे पास 50,000 थे, तो मेरे पास कितना अमाउंट बचेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करे? ये आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करे। अगर मान लो आप 5 के बजाय 10 लेते हो तो मेरे पास कितना बचेगा? 40 बचेगा। आपने अगर 15 लिया तो मेरे पास कितना बचेगा? 35। तो जो आपका पैसा खत्म हुआ, मतलब आप जो रिएक्टेंट हो आपको मैं बोलूंगा लिमिटिंग रिएजेंट, और मैं जो मेरे पास एक्सेस है तो मैं क्या हो जाऊंगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाऊंगा। तो यहाँ तक आपको चीजें बेटा समझ में आ गई होगी। व्हेन मास और मोल्स, व्हेन मास ऑब्लिक मोल्स ऑफ एटलीस्ट टू रिएक्टेंट ऑफ एटलीस्ट two reactant are given in the problem first, given in the problem first, in the problem then first First of all, we have to decide which reactant is completely consumed, which reactant is completely consumed in the reaction, and which is remaining, and which is remaining. तो बात समझ में आई? अगर आपको दो के बारे में दिया रहता है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन खत्म हो रहा है, कौन सा रिएक्शन बच रहा है। तो अब आता है मेरा कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का। क्या आता है? लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को शॉर्ट फॉर्म में अब से मैं LR लिखूंगा। LR का मतलब भी क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन क्या था? रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन, रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिमिट, प्रेजेंट इन द लिमिट, दैट इज which is consumed first in the reaction, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर आप बात करो एक्सेस रिएजेंट की, एक्सेस को मैं ER से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ER से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो इसको बोला क्या बोलूंगा? इसको मैं रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, दैट इज लेफ्ट आफ्टर the reaction is called excess reagent। okay, अब कोई भी product और कोई भी excess reagent किसके पर depend करेगा? limiting reagent पे, कि आखिर कितना बचेगा और कितना बनेगा। आई बात समझो? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सपोज करो मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट है कि हमने मेले में पैसे कितने खर्च किए, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेले में पैसे कितने खर्च हुए, और हम लोग रिएक्टेंट है, जैसे मेरे पास 50,000 आपके पास 5,000 है। प्रोडक्ट मान लो हमने कोई सामान खरीदा, लेट्स से आपने मैंने मिलकर कोई सामान खरीदा मेले में जाके, तो मैं बोलूँ कि आपने कितने का सामान खरीदा?
हमने म्यूचुअली मिलके कितने का सामान खरीदा, तो हमने म्यूचुअली मिलके सिर्फ 5,000 का सामान खरीदा, पांच आपके थे और पांच मेरे थे, और मेरे पास बचा कितना 45। तो ये डिपेंड किसके ऊपर किया, आपके ऊपर डिपेंड किया कि आपने कितने पैसे लेके गए थे। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ कि जो चीज खत्म होती है वही चीज डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, वही चीज डिसाइड करता है कि बचेगा मेरा कितना एक्सेस वाले के पास। ठीक है, तो मैं लिख देता नोट बना के, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेशन ऑफ एलआर। तो बहुत छोटा तरीका है, समझो बात को, जैसे कोई रिएक्शन है ए प्लस टू बी टेंस टू गिव टू सी। ठीक है, और मैंने सपोज करो इसके 5 मोल दिए और इसके 8 मोल दिए, तो देखो अब ये केस 3 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया दो रिएक्टेंट और दोनों के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिसाइड करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो निकालने का तरीका, ए के मोल्स कितने हैं 5 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना 1, तो 1/5/1 कितना होगा 5। 8 के बी के मोल्स कितने 8 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना 2, तो ये होगा 4। तो जब आप इनको डिवाइड करने पर जो नंबर सबसे छोटा आता है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा 4 है और 5 है, 4 है, तो ये मेरा क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये मेरा क्या होगा एक्सेस रिएजेंट होगा। आई बात समझ में। अब ये कितना बचेगा, तो देखो टोटल मेरा 5 है, इसमें से इसका मुझे कितना रिएक्ट करेगा, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक ऊपर, देखो अब टोटल 5 थे, लिमिटिंग रिएजेंट कितना 4, तब आपको ये डिसाइड करने की कितना रिएक्ट करे, तो उसका एक तरीका है। तो पहले क्या करो, इसके मोल्स निकालो इसके थ्रू, तो कैसे निकालेगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक ऊपर, बी के मोल्स कितने, बी का स्टोइकोमेट्रिक कितना 2, क्योंकि आप इसी के थ्रू निकाल लो, इनटू 4, और इसको सबट्रैक्ट कर दो टोटल मोल से, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे टोटल, या तो आप ये जो नंबर होगा ना इसको आप डायरेक्टली से सबट्रैक्ट भी करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा एक्सेस रिएजेंट मिल जाएगा, कितना बच रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, डिवाइड द नंबर, डिवाइड द गिवन मोल्स, डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विद their respective stoichiometric coefficient and reactant for which this ratio is minimum will be LR। आई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों ये बेसिकली हमारा क्या था, एक छोटा सा एग्जांपल था केस 3 का। ठीक है, तो बाकी चीजें हम अपन कल करेंगे। ठीक है, आपको और मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा केस 3 के ऊपर, केस 3 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।